सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। मैं इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग रिंग का एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके पहले मैं रिंग का जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसमें दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इसका कुछ रिंग का कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आज उसको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिंग का प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग क्या है? इफ आर इज ए रिंग देन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई भी रिंग हम लोग ले रहे हैं और उसका थ्री एलिमेंट्स ए बी सी ले रहे हैं, तो ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो के बराबर ही होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है ए इंटू माइनस बी लिखिए ये, या माइनस ए इंटू बी लिखिए, दोनों का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा। फिर माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू बी माइनस सी है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, या अगर राइट साइड में भी अगर ए रहे तो वो भी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा बी ए माइनस सी ए। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर रिंग का पढ़ रहे हैं बस उसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं रिंग में, अदरवाइज कोई दूसरा प्रॉपर्टीज अपने से हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो नंबर के साथ हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं वो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर देंगे। रिंग का जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ उसी प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो रिंग के डेफिनेशन में कंडीशन था एट कंडीशंस, वो सभी कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि जीरो एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगी। बड़ा आसान प्रूफ है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए इंटू जीरो को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू इस जीरो को जीरो प्लस जीरो, क्योंकि किसी जीरो को अगर हम लोग जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये रिंग में प्रॉपर्टीज है कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये रिंग का एक प्रॉपर्टीज है। तो ए की जगह अगर हम लोग जीरो लिखे जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो हम लोग इस जीरो को लिख रहे हैं जीरो प्लस जीरो। अब देखिए यहाँ पर इधर हम लोग क्या करते हैं ए इंटू जीरो प्लस जीरो लिख देते हैं, क्योंकि जीरो को किसी के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट होता है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए, सॉरी यहाँ पर ए इंटू जीरो ही होगा। ये कहाँ से आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग लिखे हुए हैं। अब देखिए आर जो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है, आर प्लस इज ए ग्रुप, और ग्रुप में एडिशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई होता है। एंड वी अप्लाई, हम लोग अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड वाला कैंसिल मैं करूंगा, तो वी अप्लाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन इन आर। तो लेफ्ट साइड वाला कैंसिल कर दीजिए, यहां पर बच रहा है जीरो इक्वल टू ए इंटू जीरो। तो आगे देखिए ए इंटू जीरो को पहले लिख रहा हूं और फिर जीरो को बाद में, दैट इज ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। फिर सेकेंड जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो दिखाएंगे। तो ये कैसे दिखाते हैं? सिमिलरली जीरो इंटू ए को हम लोग लिखते हैं जीरो प्लस जीरो इंटू ए, इस जीरो को हम लोग जीरो प्लस जीरो लिखेंगे। अब उसके बाद इस जीरो को लिखते हैं जीरो इंटू ए प्लस जीरो, और यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू ए। ये कहां से आ रहा है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब उसके बाद राइट साइड लेफ्ट साइड वाला कैंसिल कर दीजिए, तो जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए। ये कहां से आया? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ।
हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किए हैं, तो क्या दिखा दिए कि 0 × a = 0। तो यहां ये दोनों से देखिए, तो देयरफॉर a इंटू जीरो या फिर 0 × a दोनों का वैल्यू 0 हो गया। तो किसी भी एलिमेंट में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो राइट साइड मल्टीप्लाई कीजिए या लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कीजिए, 0 के बराबर ही आएगा। सेकंड का हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो सेकंड का मैं प्रूफ बता रहा हूं, देखिए हम लोग लिखते हैं वी हैव a इंटू माइनस बी प्लस बी, और माइनस बी और बी को अगर हम लोग ऐड करें तो वो 0 हो जाता है रिंग में। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो a इंटू माइनस बी प्लस a इंटू बी, और जस्ट हमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही होता है। यहाँ पर कौन सा अप्लाई किए हैं, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किए हम लोग, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे बढ़ते हैं, रिंग है तो रिंग में कोई भी एलिमेंट a प्लस बी अगर इक्वल टू 0 है तो आप a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। a जो होता है वो b का इनवर्स, या b जो होता है वो a का एडिटिव इनवर्स होता है। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a इंटू माइनस बी इक्वल टू, आप उसको उधर ले जाइए तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ए बी एक साथ प्रोडक्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो रहा है a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। अब सेकेंड पार्ट इसी का हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, माइनस ए इंटू बी बराबर ये दिखाना है। तो सिंस माइनस ए और प्लस ए इस दोनों के सम में b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए प्लस ए 0 के बराबर आएगा, 0 इंटू बी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, तो माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। यहां पर हम लोग अप्लाई किए हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इस ए बी को आप उधर ले जाइए, तो यहां पर आ रहा है माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू बी। तो ये दोनों से देखिए, देयरफॉर ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ ए बी, और माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी। ये सेकेंड प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड का प्रूफ। तो थर्ड में प्रूफ करना, आप देखिए माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी, तो ये कैसे दिखाते हैं। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, माइनस ए इंटू माइनस बी, अभी जस्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि माइनस ए इंटू बी, तो ये दोनों ए और बी मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर यही दो एलिमेंट मान लीजिए, ये पूरा बी की जगह ये पूरा को मान लीजिए और ये माइनस ए है, तो उस प्रॉपर्टी से माइनस ए इंटू बी, तो ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ए इंटू माइनस बी, और इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, तो इस प्रॉपर्टीज से क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज से a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। और ध्यान दीजिए ये रिंग का मेंबर है, रिंग जो होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है, और ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स खुद वही एलिमेंट होता है। यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में तो इसका इनवर्स माइनस ए देखेंगे, एक का इनवर्स का फिर से इनवर्स करेंगे तो वो ए ही होगा। तो यहाँ पर ए बी का इनवर्स का फिर से इनवर्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो ये सेकेंड भी थर्ड भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में क्या है, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये बड़ा आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी को लेकर के चलते हैं। आप इसको b माइनस सी को लिखिए b प्लस माइनस सी, ये b प्लस माइनस सी लिख रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, एडिशन में तो अप्लाई होता है, तो ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी, यहाँ लिख सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किए हैं, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं
कि a इनटू माइनस c इज इक्वल टू होता है माइनस a इनटू c। अब ये प्लस इनटू माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए सी, तो ये प्रूफ हो गया। तो आप इसी तरीके से फोर्थ वाला को भी बड़ा फिफ्थ वाला को भी बड़ा आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था जिसको रिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं आगे फिर फील्ड और इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड कुछ थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।